हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। लंबा जान पाल आगे जीते रहो बेटा, जीते रहो। फैजाबादी ओ अभी तक मेरे बेटे की बारात वापस नहीं आई। बारात आ रही है, अभी गाड़ी नाश्ता कर रही है। गाड़ी नाश्ता कर रही है? अरे मतलब दूल्हा दुल्हन नाश्ता कर रहे हैं, गाड़ी खड़ी है। जो बाराती लोग हैं वो नाश्ता कर रहे हैं? हाँ बाराती लोग नाश्ता कर रहे हैं। हाँ तो ऐसे बोलो ना, ये बताओ समय बहुत हो गया है, अभी तक मेरा बेटा मुझसे मिलने नहीं आया है और ना मेरी बहू आई है। चलो ठीक है, हम बैठ कर इंतजार करते हैं। ठीक है, इंतजार करिए। ये हमारी माँ है और चलो हमारे साथ माँ के पैर छूते हैं। आओ खड़े हो। बेटा रंजीत। जी माँ। तुम आ गए ना? हाँ माँ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बेटे जी इसमें क्या है? माँ हाँ इस बैग में हाँ पैसे हैं। पैसे? हाँ यानी रुपया? हाँ। कितना रुपया इसमें है? माँ मैं गाड़ी में बैठ कर गिना था। हाँ। इसमें पूरे 5 लाख रुपए हैं और इसमें से 2 लाख रुपए मुझे चाहिए क्योंकि मुझे दोस्तों में पार्टी करना है। बेटे वो तो ठीक है, तुझे रुपया मिल जाएगा 2 लाख। हाँ लेकिन मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है कि दहेज तो 10 लाख का था। हाँ। और कहा था कि 10 लाख दहेज में देंगे लेकिन 5 लाख रुपये मिला। ओ, मामला कैसे हो गया? वो सोने वाला थार कहाँ रखिया? वो तुम लेकर नहीं आए और एक थार भी मिला है सोने का। सोने का? सोने का? हाँ सोने का तो थार देखो मिला। जा फैजाबादी अभी ले लेकर आ उसे। पूरे 5 लाख रुपए है माँ इसमें। 5 लाख? पूरे 5 लाख। चल बेटा इसको अलमारी में रख देना। 1 लाख रुपए मैं इसमें से ले लूंगा। हाँ ठीक ठीक हम चलते हैं। और वो सोने की थाल लेकर आता है। ठीक 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 बेटा। लंबा दारिन। हाँ या सोने के तारा मजक वजन हवा। अच्छा जरा दिखाओ तो मुझे खोलकर रखो नीचे। क्या पता नहीं मैं कहा मजक। अच्छा रखो रखो। शादी हुई ही बेटे की मेरी। जब मिलेगा तो ही। रंजीत भैया कपड़ा वही बांधे। कपड़ा? हाँ खोलो जरा इसको। ये देखो सोने का थाल मिला है। सोने का थाल? हाँ लंबा दारिन मजक वजन है। अच्छा उठाओ जरा इसको। ये अरे ये सोने का थाल कौना बढ़िया सोनार बनाई थे। अरे राम रे राम ये सोने का थाल है, है? ये क्या है देख? यो तो डॉमन की अंग झवाई आए। अरे राम राम क्या बताऊं मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे यह इतना का दहेज तो सेवा पाने तो बहुत करना है। बहुत किया है? बहुत करें, बहुत खवान पियान लेकिन एक दो बार अतिया चाहो तक का नहीं पाए। अच्छा इसका मतलब मेरा अपमान हो गया क्यों? अरे अपमान है घोड़ा अपमान भवा। चलो ठीक है तुम जाओ इसको रख दो वहाँ पर। सोने का थार बक्सा में रख दे। अरे बक्सा में कहाँ रखोगे, बाहर रख दो इसको। बाहर क्या बताऊं मेरे तो अरमानों में पानी फिर गया है। मैं जो सोची थी वो हुआ नहीं। मैं तो ये सोची थी कि मैं अपने बेटे रंजीत की शादी करूंगी तो दहेज में 10 लाख रुपए मिलेगा, गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ मिलेगा मुझे। और वो कहा भी कि हम जमींदार हैं दहेज में भारी रकम देंगे। लेकिन ये कमीनी ये हरजाई ये रंडी इसकी बदौलत ये सब हुआ है। मैं तेरा शक्ल नहीं देखना चाहती हूं। दिखा अपना शक्ल, दिखा जरा अपना शक्ल, इसको उतार। हाय 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 देखा गांव वालों
है तो ये खूबसूरत, लेकिन सोना चाहे जितना अच्छा हो उसको कान में पहन लो और वो फट जाए तो क्या फायदा है। मैंने शादी किया कि हमको बहुत भारी दहेज मिलेगा, मैं मालोमाल हो जाऊंगी और बड़ी हो जाऊंगी, लेकिन इस कमीनी की खातिर, इसके कारण मेरे अरमानों में पानी फिर गया है। और सोचा था दहेज में मिलेगा काफी माल, और सोचा था दहेज में मिलेगा काफी माल, और परसम थी मुझको मिला है पूरा कलंगा। खड़ी हो जा। जितना रुपया तेरे पिताजी ने दहेज में दिया है, कान खोलकर सुन ले, उतना रुपया तो मैंने अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दी, समझी कि नहीं? समझती हूँ। अरे लाखों ललने की पढ़ाई में लगा, कहीं की ये मेरी बहू बनकर आई है, और गांव वालों तुम लोग बटोर के क्या देख रहे हो तमाशा? अरे ये मेरी बहू है, मैं इसकी सासू सास। अगर तुम लोगों ने मेरे बारे में कुछ कहा और पंचायत किया तो सोच लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वो बुढ़िया देखो बैठकर मुझे गाली दे रही है। ए बुढ़ी, सोच ले मैं कौन चीज हूं, इसीलिए मैं कहती हूं कसम हमारी में चलती हुई जवानी। अरे सत का सत्यानाश हो, कल जुग का बास हो। क्यों रे हरजाई? हाँ बोल। कि मेरे पिता पे, मेरे पिता पे दर्द ने मां मत दिखलाओ तेज। तेरे पिता का क्या सब हुआ है कभी? मेरे पिता दर्द में मत दिखलाओ तेज। अच्छा, उनकी जो सा मर्द थी माँ तुमको दिया दहेज। बहू बनकर आई है, माँ कान खोलकर मेरी बात को सुन ले, अगर तुझको इस घर में रहना है
तो नौकरानी के तरीके से रहना है। आज तो मेरे बेटे की सुहाग रात है, मैं आज तुझे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन घर का चौका बर्तन झाड़ू पोछा सब तुझको करना होगा। लेकिन माँ, मुझे मारती क्यों हो तुम? मैं जानती नहीं वजह क्या है मारने की। वजह? हाँ। अभी तक नहीं जान पाई? नहीं। अरे तेरे पिताजी ने 10 लाख रुपए देने को कहा था दहेज में, कहा था कि दहेज में 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन उस शरामजादे ने 5 लाख रुपए दिया है। माँ बस दहेज की बात है, और यहाँ 20 रुपयों की गरी चेती माता। हाँ, 20 रुपयों की गरी चेती माता। चलो ठीक है, आज तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि आज मेरी हवेली पे बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, एमपी एमएलए विधायक मंत्री। आज मेरे पास फोन किया था और वो हवेली में आ रहे हैं, उनका स्वागत करना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं तुझे समझा के जाती हूँ। नौकरानी के तरह तुझको रहना है मेरे घर में, समझ में आ गई बात? अगर एक भी काम बाकी रहा ना तो मैं तेरी चमड़ी खींच लूंगी, हर जाई रंडी कमीनी। क्या मालिक, ये मेरी माँ है, मैंने तो माँ सासू माँ नहीं बल्कि अपनी माँ कहा, लेकिन मेरी माँ नहीं, ये तो दहेज के लालची है, इसे तो दौलत से प्यार है, अपनी बहू से ही नहीं। लेकिन अभी तक स्वामी जी नहीं आए, मैं इंतजार करती हूँ, आते ही होंगे, मैं स्वामी जी से बात करूंगी और उन्हें उन्हें सब कुछ बताऊंगी, मैं सब कुछ बताऊंगी।
जागरात है और मेरी बीबी कमरे में बैठी हमारा इंतजार कर रही होगी। आज हमारी शादी हो गई है, जो हम अपनी माँ को कसम दिए थे आज से वो कसम टूट गई। अब हमारी शादी हो गई है, अब हम चाहे शराब पिए चाहे जो कुछ करें। अब मैं मर मर के जीने लगा हूँ, अब मैं मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ। अब मैं मर मर के जीने लगा हूँ, अब मैं मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने। अब नहीं बहुत समय हो गया है, अब मैं चलता हूं अपने कमरे में, क्योंकि मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही होगी। हर चेहरे से अपने आजिए, हर पर्दा हटाइए, चेहरे से अपने आजिए, हर पर्दा हटाइए, हर अपनी चांद सी सूरत दिखाइए, कुछ मेरी भी सुनो, कुछ अपनी भी सुनाओ, कुछ मेरी भी सुनो, कुछ अपनी भी सुनाओ, हर नैनों से प्यारी आज तो हर नैना मिलाइए, जी। बोलो, आप आ गए।
हाँ मैं आ गया। हो देखो आज हमारी सुहाग रात है, इसीलिए सुहाग रात की खुशी में आज मैं जी भर के दारू पिया। रे जी भर के देखो अपना चेहरा मुझे दिखाओ। अरे हम भी तो देखें और ये सारी दुनिया देखे कि रंजीत सिंह की बीवी कितनी खूबसूरत है। ओ, मुझे मालूम है तुम्हें शर्म आ रही होगी क्योंकि हमारी और तुम्हारी पहली मुलाकात है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो हम खुद तुम्हारा घूंघट उठाएंगे और ये तुम्हारा चांद से चेहरा का दीदार करेंगे। अरे दुर्गा तू और मेरी पत्नी, ये कैसा हो गया? हाँ स्वामी जी, विधि का विधान नहीं टल सकता, मैं आपकी पत्नी हूं। लेकिन स्वामी जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं और फेर पड़ती हूं, क्या आप उन बातों को भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत। हाँ स्वामी जी, लेकिन ये दारू आप पी रहे हैं? हाँ पी रहा हूँ, तू क्या करेगी? ये ठीक नहीं है स्वामी जी। हो तो तू साली मुझे नसीहत दे रही है कि ये दारू पीना ठीक नहीं है, तेरे सामने ही पीऊंगा और पीऊंगा। नहीं स्वामी जी, हराम मैं आपको नहीं पीने दूंगी। ये शराब इंसान को बर्बाद कर देती है, इसे पीना नहीं, इसको फेंक देना चाहिए। अरे तो मैं बर्बाद दूंगा, पिलाओ मुझे हराम जाने। तुम कौन होती हो रंजीत सिंह को शराब पीने से मना करने वाली? बोल कौन होती है तू? वाह स्वामी जी वाह, आप शादी करके लाए और आप ही भूल गए। आपकी बनी गई हूँ मैं अर्धांगिनी। मेरी अर्धांगिनी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बनी गई हूँ मैं अर्धांगिनी, आज से कहने सुनने का अधिकार है। इस तरह दारू पीना नहीं ठीक है, इस तरह दारू पीना नहीं ठीक है, इसमें मिट जाते लोगों। तो मुझे बता रही है कि इसको पीने से घर द्वार बन जाते हैं, तो सुन मेरी बात को ध्यान से। नई दुल्हन का कोई सलीका नहीं, नई दुल्हन का कोई सलीका नहीं, हर मुझको देती नसीहत हर चली जा रही, बात करती जरा और कुछ अदब की नहीं, उल्टा सर पे हमारे चढ़ी जा रही। खड़ी हो साली,
नसीहत दे रही है, मुझको नसीहत दे रही है, मुझको नसीहत दे रही साली, मुझको नसीहत दे रही है साली, साली। खड़ियो खड़ियो, मुझे मत मारो, मैं आपकी पत्नी। सुन पहले, तू मेरी पत्नी नहीं है, तू मेरी पत्नी नहीं है, और मैं रंजीत सिंह तेरा पति नहीं है। अपनी जुबान से अब दोबारा ये लफ्ज मत निकालना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, नहीं तो तेरा गला दबा दूंगा। स्वामी जी, खड़ी हो? नहीं स्वामी जी, तू मुझे बार बार स्वामी जी क्यों कह रही है? बोल, मैंने ऐसे तेरे साथ क्या किया जो तू मुझे स्वामी जी कह? स्वामी जी, आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे पति हैं, ये मेरे मांग में सिंदूर आप ही के नाम का है, ये गले में मंगलसूत्र आप ही के नाम का है, आप जो अब भी समझ में आई, सब मेरे लिए है। ये जो चुटकी भर साला सिंदूर तेरे मांग में डाल दिया तो मैं तेरा पति हो गया। 50,000 रुपए का एक माला तेरे गले में डाल दिया तो मंगलसूत्र और मैं तेरा पति हो गया। तो रुक रुक, अभी मैं ये मंगलसूत्र तेरा तोड़ देता हूँ। यही मंगलसूत्र था ना तेरा, यही मंगलसूत्र था ना, ये देख तेरे मंगलसूत्र को तोड़ दिया, और ये भी देख तेरे मंगलसूत्र को पैर से कुचलता। खड़ी हो, और क्या बचा मेरा? ये जो चुटकी भर तेरे मांग में सिंदूर डाल दिया, इसीलिए मुझे पति कह रही ना, तो तेरे मैं पहुंच देता। खड़ी हो साली, अब बोल क्या बचा? खड़ी हो, बोल, क्या अभी भी मैं तेरा पति हूँ? अभी भी मैं क्या तेरा पति हूँ? बोल। नहीं स्वामी जी, आप तो मेरे पति हमेशा। फिर साली पति कहती है, फिर साली पति कहती। खड़ी हो साली, बार बार मुझको पति कहती चली जा रही है, इसका मंगलसूत्र भी तोड़ दिया और इसके मांग का सिंदूर भी मिटा दिया, तब भी ये मुझे पति कहती जा रही है। चल, यहां नहीं, तुझे मैं कमरे में तुझे बताऊंगा, फिर तू रंजीत सिंह को अपना पति कहना भूल जाएगी। चल साली हरामजादी, चल।